नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से इतिहास की क्लास में। हम इकाई चार के अंतर्गत पढ़ रहे थे प्रारंभिक गुप्त शासक के बारे में। तो इससे पूर्व के बारे में हमने अनेक गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, उसके बाद हमने चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आदि के बारे में। और उसके बाद अगला जो है टॉपिक वह है स्कंद गुप्त, जिनके बारे में हम अध्ययन इस क्लास में करेंगे। स्कंद गुप्त 455 ईस्वी से लेके 467 ईस्वी तक गुप्त सम्राट बनते हैं और शासन व्यवस्था संभालते हैं। तो जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की 414 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बनता है और 414 से लेके 455 ईस्वी तक जो है कुमारगुप्त शासन व्यवस्था संभालता है। और 455 ईस्वी में जब कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है, तो स्कंदगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पौत्र वह शासक बनते हैं। और ये जो है 455 ईस्वी से लेके 467 ईस्वी तक शासन व्यवस्था संभालते हैं। और ये जो स्कंदगुप्त थे, यह जो है गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे, अंतिम महान शासक, क्योंकि इसके पूर्व जो शासक हुए वो तो काफी महान थे ही, उन्होंने काफी प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया ही, चाहे वो चंद्रगुप्त प्रथम हो, चाहे वो समुद्रगुप्त हो, जिसे समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया। तो इन्होंने जो है अपने साम्राज्य को काफी, इनकी अपने साम्राज्य की सीमाओं को जहाँ इन्होंने सुदृढ़ किया, काफी मजबूत बनाया सीमाओं को। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है अनेक विजय भी प्राप्त की और अपनी विजयों से जो है अपने साम्राज्य का प्रसार और प्रसार किया, विस्तार किया। और अनेक जो उपद्रवी थे, जो विद्रोही थे, या जो सीमांत प्रदेशों के जो शासक थे, स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे, उनका भी इन्होंने दमन किया। तो इसके बाद चाहे वो कुमारगुप्त हो और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त जो है ये अंतिम गुप्त वंश का महान शासक कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद जो शासक हुए वह अयोग्य और कमजोर हुए, और उसके बाद जो है स्कंदगुप्त के मृत्यु के साथ ही जो है गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। तो स्कंदगुप्त को जो है अंतिम महान शासक कहा जाता है। और जूनागढ़ अभिलेख, जो मूल रूप से जूनागढ़ अभिलेख जो है वह मूल रूप से जो सक महासत्रप हुए रुद्रदामन उनका है, और इनसे जूनागढ़ अभिलेख की खोज जो है 1832 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा की गई। तो इस लेख में जो है यह उल्लेखित किया गया है, या कि उल्लेख किया गया है स्कंदगुप्त के बारे में, जूनागढ़ अभिलेख में यह उल्लेखित है कि लक्ष्मी ने जो है सभी राजकुमारों का परित्याग करके स्कंदगुप्त का वर्ण किया था, यानी इनको योग्य समझा था, शासक बनाया था। तो इस प्रकार इसमें यह उल्लेख मिलता है। वहीं जो बिहार का स्तंभ लेख है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी पुरुगुप्त था, यानी उसमें जो है स्कंदगुप्त को कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी न बताकर जो स्कंदगुप्त का भाई था पुरुगुप्त, उसको जो है उत्तराधिकारी बिहार स्तंभ लेख में बताया गया है। और लेकिन जो इतिहासकार है, जो विद्वान इतिहास, सभी इतिहास विद्वान इतिहासकार है, उनका ये मानना है कि पुरुगुप्त जो है शासक या उसका कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी नहीं था, जबकि वास्तविक रूप से जो है कुमारगुप्त के बाद जो है इसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ही था और स्कंदगुप्त ही शासक बना था, और इसको जो है उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया था। तो स्कंदगुप्त जो अंतिम महान शासक, जिनके बारे में कि इन्होंने जो है बहुत सारी उपाधियां भी इनको प्राप्त होती है, कि चंद्रगुप्त सॉरी स्कंदगुप्त जिन्होंने जो है 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक शासन संभाला, तो इनकी क्या क्या उपाधियां रही। तो इनकी प्रमुख उपाधि जो है कर्मादित्य मिलती है, इनको जो है कर्मादित्य की उपाधि, जो इन्होंने सिक्के चलाए, जो स्कंदगुप्त द्वारा जो सिक्के चलाए गए, तो उन इनके सिक्कों पर, स्कंदगुप्त के सिक्कों पर जो है उपाधि उनकी कर्मादित्य की उपाधि मिलती है, यानी इनके सिक्कों पर जो है ये इनकी उपाधि मिलती है। उसके बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो ये उपाधि जो है इनके भीतरी गांव अभिलेख जो है उस भीतरी गांव अभिलेख में इनकी उपाधि विक्रमादित्य की मिलती है। उसके बाद
ये उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की, या ये सक्रोपम उपाधि जो है ये जो है कहोम स्तंभ लेख में मिलती है। जो कहोम का स्तंभ लेख है उसमें स्कंदगुप्त को सक्रोपम की उपाधि दी गई है, या उसको सक्रोपम कहा गया है। इसके अलावा इनकी बहुत सारी और भी उपाधियां दी गई है, जैसे देश रक्षक है, परम भागवत है, देवराज है। तो देश रक्षक जो है इनको कहा गया, स्कंदगुप्त को देश रक्षक कहा गया, क्योंकि इन्होंने जो है जो हूण थे, जो बड़ी ही खूंखार और बर्बर जाति थी, तो उन हूणों के आक्रमणों से देश की रक्षा की थी, इसलिए इनको देश रक्षक भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, परम अनुयायी, तो इन जिनके कारण इनको जो है परम भागवत भी इनकी उपाधि मिलती है, या इनको परम भागवत भी कहा गया। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य को भी परम भागवत कहा गया, इनकी उपाधि भी परम भागवत की मिलती है। तो इसी प्रकार इनके पौत्र जो स्कंदगुप्त है उनको भी परम भागवत कहा गया है। इसके अलावा देवराज की उपाधि भी, या इनको देवराज भी कहा गया। तो ये देवराज जो है इनको मंजूश्री मूल कल्प जो बोध ग्रंथ है, यह जो एक बोध ग्रंथ है, इस बोध ग्रंथ में कहा गया है कि मंजूश्री मूल कल्प बोध ग्रंथ में कहा गया है कि स्कंदगुप्त जो है वो देवराज नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रकार इनकी जो है बहुत सारी उपाधियां मिलती है, जिसमें स्कंदगुप्त को उपाधियां दी गई है, उनको भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है। इसके अलावा इनको जो है सकारध भी कहा गया, क्षिति पति कहा गया, और ऐसी बहुत सारी उपाधियां इनको दी गई। इसके अलावा जो कुछ विद्वान इतिहासकार मानते हैं, जैसे हेमचंद्र राय चौधरी, तो हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार कि गुप्त वंश का यह श्रेष्ठ वीर था, यानी कि जो गुप्त वंश के शासक हुए, तो उनमें से ये जो स्कंदगुप्त था ये हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार श्रेष्ठ वीर थे ये। और इसके अलावा जैसे केपी जायसवाल है, तो उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि यह सबसे महान गुप्त सम्राट थे, यानी वे कहते हैं केपी जायसवाल कि गुप्त सम्राट, ये सबसे महान गुप्त सम्राट थे। तो इस प्रकार इनकी उपाधियां उनको कहा गया है। इसके बाद जब स्कंदगुप्त शासक बनते हैं 455 ईस्वी में, तो उसके बाद जो हूण, जो मध्य एशिया के जो थे, हूण जाति थी एक बड़ी ही खूंखार और बर्बर जाति थी, उनका आक्रमण होता है भारत पर। तो सबसे पहले जो हूणों का भारत पर आक्रमण होता है वह स्कंदगुप्त के समय ही होता है, प्रथम आक्रमण। स्कंदगुप्त के समय ही हूणों का सबसे पहले पहला या प्रथम आक्रमण होता है, वह होता है स्कंदगुप्त के समय। कई बार छोटा प्रश्न भी आता है कि भारत पर हूणों ने सबसे पहले किसके समय में, किसके शासनकाल में पहला आक्रमण किया, तो वह स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान जो है हूणों ने, जो मध्य एशिया की बर्बर जाति थी, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अर्थात हूणों का पहला आक्रमण जो है वह स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही होता है। और हालांकि स्कंदगुप्त जो बड़ी बहादुरी से इस आक्रमण का मुकाबला करते हैं और हूणों को पराजित भी करते हैं। तो ये हूण कौन थे, और उन्होंने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि ये जो हूण थे ये मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, बड़ी खूंखार जाति थी, और ये भ्रमणशील जाति थी। तो इन्होंने जो चौथी और पांचवी सदी में जो ये हूण जाति थी वह दो शाखाओं में विभक्त हो गई, और एक शाखा जो यूरोप की तरफ चली गई, और उन्होंने यूरोप पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित किया, रोम पर अधिकार किया। और जो दूसरी शाखा थी वह फारस यानी कि ईरान की तरफ गई और फारस पर अधिकार किया। और जब उन्होंने फारस पर अधिकार किया, तो फारस पर अधिकार करने के बाद जो है उन्होंने बड़ी शक्ति के साथ भारत विजय के लिए, या भारत जो उन्होंने भारत पर आक्रमण किया स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान, तो उन्होंने जो है जो दूसरी शाखा थी, जो जिसने फारस पर यानी कि ईरान, जिसे ईरान भी कहा गया, पर्शिया भी कहा गया, तो उस पर अधिकार किया। और उस पर अधिकार करने के बाद बड़ी ताकत के साथ, बड़ी शक्ति के साथ जो है
वह भारत पर आक्रमण करती है। और इन हूणों का जो नेता था वह खुश नवाज था। जो नेता था हूणों का वह खुश नवाज था। और इस आक्रमण का जो है स्कंद गुप्त द्वारा बड़ी वीरता के साथ मुकाबला किया जाता है और उनको हूणों को पराजित किया जाता है। तो भीतरी गांव का जो स्तंभ लेख है जिसमें इसमें स्कंद गुप्त व हूणों के बीच के युद्ध का विवरण मिलता है, यानी जो भीतरी गांव का जो स्तंभ लेख है उस लेख में इन हूणों और स्कंद गुप्त के बीच जो संघर्ष हुआ था इसका विवरण जो है भीतरी गांव के स्तंभ लेख से भी प्राप्त होता है कि इससे ये पता चलता है कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, स्कंद गुप्त के समय आक्रमण किया था और स्कंद गुप्त ने जो है उनका मुकाबला किया था। इसकी जानकारी भीतरी गांव के स्तंभ लेख से भी होती है। और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि स्कंद गुप्त ने इनका सफलतापूर्वक हूणों को परास्त किया और संभवतः इसी विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जिस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि या श्री विक्रम की उपाधि धारण की थी, तो उसी प्रकार एक प्रमुख शक्ति हूण जिसे पराजित करने के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और स्कंद गुप्त द्वारा हूणों पर विजय प्राप्त करने के संबंध में जूनागढ़ लेख में कहा गया है, जो जूनागढ़ लेख है इसमें स्कंद गुप्त का भी लेख मिलता है जो मूल रूप से शक महासत्रप रुद्रदामन का है। तो उसमें उसके जूनागढ़ लेख में जिसे गिरनार लेख भी कहा जाता है तो उसमें एक स्कंद गुप्त का भी लेख मिलता है जिसमें कहा गया है कि उसने शत्रुओं का दर्प इस तरह आमूल भग्न कर दिया, तोड़ दिया कि मलेच्छ देशों में भी उसके रिपु रिपु यानी शत्रु वह जो है उसकी विजय का सुयश उद्घोष किया करते थे। जो उसके शत्रु थे यानी कि हूण थे वह मलेच्छ देशों में भी इसका गुणगान या सुयश गाया करते थे। तो यह जो है जूनागढ़ के अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इन्होंने हूणों को पराजित किया लेकिन इन्होंने जो हूणों को पराजित करने के साथ साथ उनको भारत से बाहर खदेड़ दिया। और इसके साथ साथ वह जो है एशियाई प्रदेशों पर भी इन्होंने जो है एशियाई प्रदेशों पर भी स्कंद गुप्त घुस गए, उन पर आक्रमण किया और उनके मूल प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की। जो एशियाई देश थे या एशियाई प्रदेश थे उन पर भी इन्होंने स्कंद गुप्त ने अधिकार कर लिया या विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार जिस एक खूंखार भ्रमणशील जाति जिसे बड़ा ही बर्बर और क्रूर माना जाता था तो उस बर्बर जाति को पराजित किया, उस बर्बर जाति को पराजित किया जिसके सामने जो है ईरान और रोम जिन्होंने घुटने टेक दिए थे इनके सामने और उन पर इनका अधिकार हो गया था। तो उन हूणों को जो है स्कंद गुप्त ने पराजित किया और इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जो उन्होंने नष्ट भ्रष्ट होने से बचा लिया। तो स्कंद गुप्त की हूण विजय पर निश्चय ही जो स्कंद गुप्त की हूण विजय थी ये निश्चय ही एक उनकी महान उपलब्धि थी क्योंकि ये बड़ी ही जो खूंखार जाति थी इन्हें रोम पर भी अधिकार कर लिया था, ईरान पर भी अधिकार कर लिया था, जो भारत पर अधिकार करने का प्रयास किया लेकिन स्कंद गुप्त ने बड़ी बहादुरी से जो है इनका मुकाबला किया और इनको जो है भारत से बाहर भगा दिया। तो निश्चित रूप से ये एक इनकी महान उपलब्धि थी। और इस महान विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने भीतरी गांव में विष्णु भगवान विष्णु की जो है एक मूर्ति स्थापित की और उसके मंदिर की विजय ध्वज पर जो है उन्होंने अपना एक लेख अंकित भी करवाया। जूनागढ़ लेख से स्पष्ट होता है कि जो जूनागढ़ का लेख है उसे स्पष्ट होता है कि हूण पर विजय के बाद भी पूरी तरह से खतरा जो था आक्रमण हूणों के आक्रमण का वो टला नहीं था क्योंकि पश्चिमी भारत जो था उन पर उनका खतरा हूणों का खतरा अभी भी बना रहा था। इसलिए स्कंद गुप्त ने अपनी पश्चिमोत्तर भार सीमाओं की सुरक्षा के लिए या उनकी रक्षा के लिए जो है उन्होंने अपने पश्चिमोत्तर भारत और पश्चिम क्षेत्र में जो है उन्होंने सुयोग्य सक्षम और बलवान जो है गोप्ताओं की नियुक्ति की ताकि जो है इनके हूणों के आक्रमण से बचा जा सके, हमारे देश को जो है बचाया जा सके। तो उन्होंने जो है ऐसे जो प्रशासक थे जिन्हें गोप्ता कहा जाता था
तो उनको जो है इन्होंने जो जो बलवान थे जो शक्तिशाली थे उनको इनकी नियुक्ति की उन सीमांत प्रदेशों में जो पश्चिमी सीमांत प्रदेश थे जो पश्चिमी भारत के सीमा सीमा क्षेत्र थे उन पर जो इन्होंने शक्तिशाली गुप्ताओं की नियुक्ति करवाई। और इसके अलावा स्कंदगुप्त के लेखों से ये भी ज्ञात होता है कि पश्चिम में जो सौराष्ट्र सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ तो काठियावाड़ से लेकर पूर्वी बंगाल और उत्तर भारत से मध्य प्रदेश तक सभी प्रांत जो है उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे, यानी इन पर उनका स्कंदगुप्त का अधिकार था। और जो पश्चिमी सौराष्ट्र काठियावाड़ से लेके पूर्वी बंगाल और उत्तर भारत से मध्य प्रदेश तक जो है सभी प्रांत यानी पूरा भारतीय क्षेत्र जो इनके बीच आता था उस पर जो है स्कंदगुप्त का अधिकार था, यह जो है स्तंभ स्कंदगुप्त के लेखों से भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा स्कंदगुप्त के जो है स्कंदगुप्त की चीन के साथ भी इन्होंने अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए और उन्होंने जो है 416 ईस्वी में एक राजदूत को चीन के सांग संग्र जो उस वक्त सांग वंश का शासन चल रहा था तो सांग वंश के सम्राट के दरबार में जो है उन्होंने एक अपना राजदूत भी भेजा था। और इसके अलावा स्कंदगुप्त के बारे में जो स्कंदगुप्त के अभिलेख है जिनसे स्कंदगुप्त के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है वो कौन कौन से अभिलेख है जिनसे स्कंदगुप्त के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है तो उन अभिलेखों की बात करें तो प्रमुख रूप से जो है अभिलेख है जैसे जूनागढ़ का अभिलेख भीतरी स्तंभ लेख जो जूनागढ़ का अभिलेख है ये मूल रूप से रुद्रदामन का है। इसके अलावा भीतरी स्तंभ लेख कहोम स्तंभ लेख इंदौर ताम्रपत्र बिहार स्तंभ लेख सूपिया अभिलेख और सातवां जो है गढ़वास ला लेख। तो इन अभिलेखों से जो है स्कंदगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। तो जो जूनागढ़ का अभिलेख है यह स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण और पहला लेख है। यह जो है स्कंदगुप्त का पहला लेख है और सबसे महत्वपूर्ण लेख है जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। और इस पर गुप्त संवत 136 यानी कि 455 ईस्वी अंकित किया गया है, यानी गुप्त संवत इस पर मिलता है वो 136 मिलता है अर्थात 455 ईस्वी में इसे निर्गत किया गया था। इसमें वर्णित है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को जो है इन्होंने अपना गोप्ता यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया था। और इसी पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित से जो है जो झील सुदर्शन झील थी जिसका निर्माण अशोक द्वारा किया गया था तो उस सुदर्शन झील जब कहा जाता है कि भारी बारिश के कारण जो है इस सुदर्शन झील की का बांध टूट गया तो स्कंदगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान अपने राज्यपाल जो राज्यपाल थे गोप्ता थे पर्णदत्त उनके पुत्र जो थे चक्रपालित उस चक्रपालित से जो है उस बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। ये सारी जानकारियां जो जूनागढ़ के अभिलेख से प्राप्त होती है, बहुत सारी जानकारियां इनके बारे में। इससे ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने हूणों को पराजित किया था और इसके साथ साथ जो सुदर्शन झील थी उनका जो है पुनर्निर्माण करवाया था, तो इसकी जानकारी जो है जूनागढ़ अभिलेख से भी प्राप्त होती है। इसके बाद भीतरी स्तंभ लेख जो भीतरी स्तंभ लेख है यह जो है इसमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र व हूणों के साथ स्कंदगुप्त के का युद्ध हुआ था, इस बात का विवरण जो है इस भीतरी स्तंभ लेख से भी प्राप्त होता है। जो जो भीतरी स्तंभ लेख है यह यूपी के गाजीपुर में स्थित है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। और इस लेख में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय कुमारगुप्त आदि की माताओं के नाम भी दिए गए हैं, यानी कि जो भीतरी स्तंभ लेख है इसमें समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त की माताओं के नाम भी दिए गए हैं। इस लेख में माताओं के नाम मिलते हैं। और इसके साथ साथ इस लेख में विष्णु मंदिर हेतु एक गांव स्कंदगुप्त द्वारा दान किए जाने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस
जो इस भीतरी स्तंभ लेख है इसमें भी बहुत सारी जानकारियां मिलती है, जिनमें जो है चंद्रगुप्त, द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त की माताओं के नाम मिलते हैं। तो इसके साथ साथ इसमें ये भी जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने जो है एक विष्णु मंदिर के लिए एक गांव दान दिया था, इसकी भी जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसके बाद कहोम स्तंभ लेख, जो कहोम स्तंभ लेख है, ये कहोम स्तंभ लेख यूपी के गोरखपुर में स्थित है। जो यूपी का गोरखपुर जिला है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, उसमें जो है कहोम स्तंभ लेख स्थित है। और इसमें यह लिखित है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थकरों की प्रतिमा बनवाई थी। इसमें यह उल्लेखित है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या स्कंदगुप्त ने जो है भद्र नामक व्यक्ति से 5 जैन प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। तो इस कहोम स्तंभ लेख से ये जानकारियां प्राप्त होती है, क्योंकि स्कंदगुप्त जो था वह मूल रूप से या मुख्य रूप से जो है वैष्णव धर्म धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसके साथ साथ वो धर्म सहिष्णु था। इस बात की जानकारी इस कहोम स्तंभ लेख से प्राप्त होती है कि वह पूर्ण रूप से धर्म सहिष्णु था और अनेक दूसरे धर्मों का भी वह जो है आदर करता था। और इसी धर्म सहिष्णुता का परिचय इस बात से हो जाता है कि उन्होंने जो है कहोम स्तंभ लेख के अनुसार उन्होंने भद्र नामक व्यक्ति से 5 जो जैन तीर्थकर हुए, आदि पुरुष हुए, जिनमें से जैसे आदिनाथ, शांतिनाथ, नैमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, तो इन 5 जो जैन धर्म के थे उनकी प्रतिमाएं इन्होंने निर्मित करवाई दी भद्र नामक व्यक्ति से। तो इस बात की जानकारी भी इस लेख से होती है। इसके अलावा जो इंदौर का ताम्र पत्र लेख है, इंदौर का ताम्र पत्र लेख, तो इंदौर के ताम्र पत्र लेख, यह जो है यह भी बुलंदशहर यूपी में ही स्थित है। तो इसमें तेलियों की एक श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर को दान दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। यानी जो इंदौर का ताम्र पत्र है, इस ताम्र पत्र में यह उल्लेखित है कि जो तेलियों की श्रेणी थी, तेलियों की श्रेणी, तेलियों यानी कि जो व्यापारी वर्ग था उनको तेली कहा जाता था मुख्य रूप से। तो एक व्यापारी वर्ग तेली, जिनमें यह उल्लेखित है कि तेलियों द्वारा जो स्वर्ण मंदिर, सॉरी सूर्य मंदिर, स्वर्ण मंदिर नहीं, सूर्य मंदिर, स्वर्ण मंदिर तो पंजाब में अमृतसर में, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए दान दिए जाने का उल्लेख इस ताम्र, इंदौर ताम्र पत्र लेख में उल्लेखित है। इसमें यह विवरण दिया गया है कि तेलियों की एक श्रेणी ने जो है, श्रेणी ने सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया था। तो इस बात का विवरण जो है इसमें सुरक्षित है ताम्र, इंदौर ताम्र पत्र लेख में। इसके अलावा बिहार स्तंभ लेख, बिहार स्तंभ लेख, इसमें जो है सोलकिक अधिकारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। सोलकिक अधिकारी, सोलकिक अधिकारी का मतलब होता है कि वे अधिकारी जो शुल्क ग्रहण करते थे या संचय करते थे, यानी कर संग्रह करने वाले अधिकारी। तो इसमें जो है सोलकिक जो सोलकिक थे उनका विवरण इसमें दिया गया है, उसके अधिकारियों के नाम दिए गए हैं सोलकिक अधिकारी। अधिकारियों के नाम नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से सोलकिक अधिकारी होते थे, उनके नाम इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा जो सूपिया अभिलेख है, सूपिया अभिलेख, तो सूपिया अभिलेख जो है यह मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है, और इसमें जो है गुप्तों की वंशावली दी गई है, जिसमें घटोत्कच के समय से, यानी जो श्री गुप्त के बाद जो घटोत्कच शासक बने, तो उसके समय से जो है इसकी गुप्त वंशावली दी गई है। जो गुप्त वंशावली दी गई है वह घटोत्कच कच के समय से, यानी कि इसमें श्री गुप्त का नाम नहीं है। जो गुप्त वंशावली दी गई है उसमें पहला शासक इसमें घटोत्कच के समय से ही दी गई है, और
इसमें जो है गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है, यानी कि जो सूबिया का अभिलेख है जिसमें गुप्त वंशावली दी गई है, और इसमें जो है घटोत्कच के समय से जो है गुप्त वंशावलियां दी गई है, और इसमें जो है गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। उसके बाद गढ़वा शिलालेख, जो गढ़वा का शिलालेख है यह जो है इलाहाबाद में स्थित है, और यह स्कंद गुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख है। ये जो गढ़वा का है यह अंतिम है, जूनागढ़ पहला और ये अंतिम लेख है, और इस यह इसका अंतिम लेख है। इसके बाद स्कंद गुप्त ने जो है अपने शासनकाल के दौरान काफी कार्य किए, प्रशासन को सुदृढ़ बनाया, जो पश्चिमोत्तर और पश्चिम सीमाएं थी उन पर उनको सुरक्षित करने के लिए राज्यपालों यानी कि गोप्ताओं की, ऐसे बलशाली गोप्ताओं की नियुक्ति की ताकि जो है बाहरी आक्रमण से देश को सुरक्षित रखा जा सके, और इसके अलावा उन्होंने जो शासन व्यवस्था में जो है अनेक श्रेणियों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है उनके शासनकाल के दौरान, और इसके साथ साथ उन्होंने जो है शासन व्यवस्था को सुदृढ़ भी किया। लेकिन जो स्कंद गुप्त के सिक्के प्राप्त होते हैं, स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं, तो उन स्वर्ण सिक्कों में जो शुद्ध नहीं है, शुद्ध सोने के नहीं है, जबकि उनमें कुछ मिलावट प्राप्त होती है, यानी मिलावटी है, उसमें कुछ खोट मिलाया गया है स्वर्ण सिक्कों में, शुद्ध स्वर्ण सिक्के नहीं है। तो इस मिलावट के कारण जो अनेक विद्वान या इतिहासकार ये मानते हैं कि स्कंद गुप्त के शासनकाल के दौरान इनका जो साम्राज्य में जो था वह आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था, और इस कारण जो है जो सोने के सिक्के स्कंद गुप्त द्वारा चलाए गए उसमें मिलावट का अंश प्राप्त होता है। तो एक तरह से जो है ऐसा ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त के शासनकाल के समय जो है साम्राज्य की जो आय थी या आर्थिक स्थिति जो है वो डावाडोल हो गई थी, और इससे जो है उन्होंने स्वर्ण जो सिक्के थे उनमें मिलावट करना प्रारंभ कर दिया था। तो उन्होंने कुछ सिक्के चलाए कि उन्होंने कौन कौन से सिक्के चलाए स्कंद गुप्त द्वारा, तो सिक्के में जैसे उन्होंने जो है स्वर्ण सिक्का मिलता है तो वह है लक्ष्मी या राज लक्ष्मी प्रकार के सिक्के जो स्कंद गुप्त द्वारा चलाए गए। इसके अलावा उन्होंने जो है रजत यानी कि चांदी की मुद्राएं भी उन्होंने चलाई, रजत मुद्रा, रजत मुद्रा भी उन्होंने चलाई, जिसमें से जैसे एक नंदी प्रकार, नंदी यानी कि वृषभ प्रकार की मुद्रा, और दूसरा जो है वेदिका प्रकार की मुद्रा। तो उन्होंने जो है लक्ष्मी या राजलक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए, इसके साथ साथ उन्होंने चांदी की मुद्राएं भी चलाई, जिसमें से नंदी प्रकार या वृषभ प्रकार और वेदिक प्रकार यानी कि ये दो प्रकार के उन्होंने चांदी की मुद्राएँ भी उन्होंने चलाई। तो इस प्रकार उन्होंने जो है मुद्राओं का भी निर्माण किया यानी कि मुद्राएं भी चलाई, जिसमें सोने की जो मुद्रा है उसमें मिलावट का अंश प्राप्त होता है, यानी कि मिलावट मिलती है, जिससे ये मिलता ये जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंद गुप्त के शासनकाल के दौरान जो है वह इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। तो इस प्रकार स्कंद गुप्त, अब इसके एक मूल्यांकन के रूप में देखें स्कंद गुप्त को, तो यह अपने वंश यानी कि गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था, और चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह इन्होंने भी इनके इनकी उपाधियां जो मिलती है वो विक्रमादित्य और देवराज की उपाधियां मिलती है। जिस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जो है शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उसी प्रकार स्कंद गुप्त ने भी एक प्रमुख शक्ति हूण उनको पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो इनकी ये उपाधियां भी चंद्रगुप्त की तरह ही मिलती है। यह एक उच्च आदर्शवादी धर्म विजेता था, यानी स्कंद गुप्त था ये बड़ा ही आदर्शवादी था, उच्च आदर्शवादी था और धर्म विजेता था, जिसने पराजित शत्रुओं के साथ हमेशा दया भाव का व्यवहार किया, यानी इन्होंने जो पराजित अनेक शासकों को पराजित तो किया या फिर भी जो है उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार यानी दया भाव का व्यवहार उन्होंने किया, तो ये एक धर्म विजेता थे। इसके साथ साथ जूनागढ़ लेख में उसे यथार्थ नरपति गुण निकेत घोषित किया गया है। जो जूनागढ़ का जो लेख है इसमें स्कंद गुप्त को यथार्थ नरपति गुण निकेत घोषित किया गया है, और इसके अलावा
जो बोध ग्रंथ मंजूश्री मूल कल्प है के लेखक ने उसे श्रेष्ठ बुद्धिमान और उस अधर्म युग का धर्म वत्सल नरपति कहा है। यानी जो मंजूश्री मूल कल्प बोध ग्रंथ है उसके लेखक ने स्कंद गुप्त को कि उस युग का जो अधर्म का युग था उस अधर्म के युग का धर्म वत्सल नरपति यानी राजा कहा है। और इसके अलावा इन्होंने जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और शांति के लिए हमेशा से प्रयत्न किया और अपने जीवन पर्यंत जो है वो इसके कार्य इस शांति राज्य की शांति के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए अपने पूरे जीवन काल तक जो है प्रयत्न करते रहे और प्रयत्न के साथ साथ वो पुरुषार्थ और पराक्रम करता रहा, जिसके लिए उसके जो है बहुत से सिक्कों पर उसे कर्मजीत और कर्मादित्य की उपाधियां दी गई है या उनके कर्मजीत और कर्मादित्य की विरुद्ध यानी उपाधियां भी प्राप्त होती है उनको, क्योंकि वह जो है जीवन भर अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर के लिए कार्य करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, कर्म करते रहे, जिसके कारण उनको जो है कर्मादित्य और कर्मजीत भी कहा गया। अपने गोप्ता पर्णदत्त के पुत्र चक्रपाली द्वारा उन्होंने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, ये आपको पहले भी बता दिया कि उन्होंने जो है उस सुदर्शन झील का भी उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। जो सौराष्ट्र का राज्यपाल गोप्ता था जिनका नाम पर्णदत्त था, तो पर्णदत्त के पुत्र द्वारा जो है इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है अपने पूर्वजों की भांति जो है जो विष्णु उपासक थे, वैष्णव धर्म से संबंधित थे, तो इन्होंने जो है वह भी विष्णु के उपासक रहे, लेकिन इसके साथ साथ वो धर्म सहिष्णु भी थे, तो उनकी धर्म सहिष्णुता का पता ये भी चलता है कि उन्होंने जो है जैन धर्म के 5 महातीर्थकरों के जो है प्रतिमा निर्मित करवाई थी, तो इस बात से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हूणों को भारत से बाहर खदेड़ा, जो हूणों ने आक्रमण किया उसका सामना किया और इसका सामना करके जो है हूणों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और इस तरह से अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखा, उसे नष्ट भ्रष्ट होने से बचा लिया, तो ये एक इनकी महान उपलब्धि थी। और इस प्रकार जो है अनेक बाहरी और आंतरिक कठिनाइयों के बावजूद जो है वह अपने साम्राज्य की रक्षा करने में समर्थ रहे, सफल रहे, तो इस प्रकार स्कंद गुप्त ने जो है अपने साम्राज्य को जो उन्हें विरासत में प्राप्त हुआ था तो उससे तो संभाला ही संभाला, इसके साथ साथ जो है अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा और हूणों के बर्बर आक्रमण से भी भारत को बचाया, तो इस प्रकार स्कंद गुप्त जो है उनको गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो गुप्त शासक बनते हैं तो जैसे ही स्कंद गुप्त की मृत्यु होती है तो स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद जो स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारी थे वह अयोग्य और निर्बल थे, जिनकी कोई कूटनीतिक नहीं थी, नीति नहीं थी, और इसी अयोग्यता का लाभ उठाकर अनेक प्रांत जो है स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्कंद गुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का विखंडन प्रारंभ हो जाता है, पतन प्रारंभ हो जाता है। तो उस पतन के क्या कारण थे, कौन कौन से प्रमुख कारण थे जिससे एक विशाल गुप्त साम्राज्य जिसे चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया और फिर जो है उसका अंत कैसे हो गया, पतन कैसे हो गया, उसके प्रमुख क्या कारण थे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में जो अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।